आज हम बनाने जा रहे हैं सोया सॉस फ्राइड चिकन। सो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। सो आइए देखते हैं सोया सॉस चिकन फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो यहां पे मैंने लिया हुआ है छोटा पीसेस में कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च, एक नींबू, सोया सॉस, रोजमेरी, हाइन, चिकन लेग पीस, 3 स्पून शहद और टेस्ट के लिए सॉल्ट। सबसे पहले लेते हैं जो कटा हुआ लहसुन है वो, देन कम्स जिंजर, हम इसमें मिलाते हैं ये लाल मिर्च और देन हाइम्स। अगर इन केस अगर आपके पास हाइम्स नहीं है या रोजमेरी नहीं है फिर भी चलेगा, दिस इज ओनली फॉर द फ्रैगरेंस। एंड शी गोस एंड देन सोया सॉस, और 3 स्पून शहद। एंड देन लेट्स ऐड अप लेमन, नींबू, एंड देन सॉल्ट टू टेस्ट अ बिट, एंड नाउ लेट्स ऐड अप द चिकन पीसेस। अभी आप इसे हल्के से मसाज कीजिए इन लेग पीसेस को इस सॉस में। सो हम अब इन्हें 1 to 2 hours फ्रिज में रख देंगे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। सो अभी हमारा ये जो मिक्सचर है ये हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे फ्रिज में रखा था और अभी अच्छे तरह से मैरिनेट हो चुका है। सो अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन प्री हीट कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको एक ब्रश से अच्छे से इस तेल को स्प्रेड करेंगे। हमारा ये जो मिक्सचर है, जो चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखे थे, अब वो हम इस पैन पर रखेंगे। सब ध्यान रखिएगा कि हमने जो आंच है वो बहुत ही अभी स्लिम कर ली है। इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। कि हर 5 मिनट के बाद आप इसे ओपन कीजिए और पीसेस जो है पलटा ले। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। सो अब हमने इसे ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम इसे टर्न करेंगे। और ध्यान रखिए ये अभी भी हम फ्लेम पे है। अब हम इसमें जो सॉस जो है वो इस पे थोड़ा सा डाल देते हैं।
बढ़िया सी खुशबू आ रही है अभी। अब हमने इस चिकन पीसेस को टर्न कर लिया है और थोड़ा सा सॉस ऊपर से डाला है, तो अब हम इसे ढक देते हैं और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए पकने देते हैं। सो आइए देखते हैं हमारा चिकन कैसे पक रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से बन रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा टर्न करते हैं। अब देख सकते हैं इसके नीचे जो है इसका जो सॉस जो है वो अच्छे तरीके से पक रहा है। हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। या ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अगर आप इसको रिकन्फर्म करना चाहते हो तो एक फोक लीजिए और इस तरह से आप इसे चुबा के देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा आ जाएगा कि ये पक चुका है या नहीं। इसे सर्व करते हैं। ये देखिए ये है हमारा सोया सॉस फ्राइड चिकन। दोस्तों इसे अपने घर पे बनाइए और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।